नमस्ते एंड हेलो, मेरा नाम है निधि नागौरी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ग्रोथ आफ्टर सीपीए यूएस की। आप में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि हम सीपीए करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में उसके बारे में बात तो जरूर करेंगे। डिटेल्स में जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब सीधा चलते हैं आपके सवालों की तरफ। जब आप लोगों से बात होती है तो आप अक्सर पूछा करते हैं कि यूएस सीपीए करने के बाद हम यूएस कैसे मूव कर सकते हैं। तो वेल, यहां पर जरूरी है एक चीज जानना कि क्वेश्चन बहुत इजी है आपका और बहुत लॉजिकल भी है, लेकिन आंसर इजी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन और इमिग्रेशन ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एजुकेशन है आपकी यूएस सीपीए की डिग्री, जो कि आपने पढ़ के एग्जाम्स दे के और सारे प्रोसेस को फॉलो करके ली है, और इमिग्रेशन है प्रोसेस जिससे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं। इमिग्रेशन डिपेंड करता है उस दूसरे कंट्री के इमिग्रेशन रूल्स और लॉज पर, और ये हर कंट्री के लिए अपने ऊपर होता है कि वो क्या रूल्स फॉलो करना चाहते हैं क्या नहीं। आपने सुना होगा कि अक्सर जब आपके फ्रेंड्स फैमिली पीयर्स में से कोई भी यूएस या किसी और कंट्री जाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें वहां पर काम करने मिलता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वर्क परमिट का, जो कि आपके जान पहचान में किसी को मिला होगा यूएस जाकर पढ़ने के बाद, वो यूएस सीपीए पे अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि यूएस सीपीए उस लिस्ट में नहीं आता है जिनको वर्क परमिट मिले। यानी कि अगर आपने यूएस सीपीए किया हो तो आप 100% सर्टिफाइड हैं यूएस में। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप 100% सर्टिफाइड है काम करने के लिए, बट इमिग्रेशन जो है वो प्रोसेस आपके लिए, एक यूएस सीपीए के लिए और एक नॉन यूएस सीपीए के लिए सेम है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे इमिग्रेशन लॉज पर तो आपको इसकी जानकारी बेटर होगी। इमिग्रेशन की बात हम कभी और करेंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ग्रोथ, जो कि आपको यूएस सीपीए से, आप जिस भी कंट्री में हो वहां मिल सके। क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूं और मैक्सिमम जिनसे मैं बात करती रहती हूँ वो इंडिया से हैं, या तो वो कैनेडा से हैं जहां पर मैं करंटली रह रही हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो मैं फोकस कर रही हूँ इंडिया और कैनेडा पर और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर और मेरे फ्रेंड्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर। इस वीडियो को मैं दो सब सेक्शंस में डिवाइड करूंगी, सीपीए करने के बाद जॉब एंड सीपीए करने के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। बहुत सिंपल है, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करें और इंटरनेट यूज करें तो आप अपने एरिया में सीपीए के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। अब बहुत सारे करियर और जॉब वेबसाइट्स हैं, ऑफकोर्स लिंक्डइन जो मेरा फेवरेट है वो तो है ही है। उसके अलावा अगर आप इंडिया में हैं तो नौकरी मॉन्स्टर ये सब हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कनाडा में हैं तो ग्लासडोर। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, इंडीड भी है। सो यू नो, फिगर आउट कि आप जहां पर भी हो वहां पर क्या जॉब पोर्टल्स हैं और वहां पर जाकर फिगर आउट कीजिए, और उसके बाद उन पर रिसर्च करें। अगर आपको जानना है कि पे स्केल कितनी है तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है payscale.com, जहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री मिल सकती है। मैंने जब चेक किया था तो इंडिया में सीपीए यूएस की एवरेज पे 7 लाख थी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं, क्योंकि जो सिटी, कुछ सिटीज ऐसे होते हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, रहने का खर्चा, वो बहुत कम होता है, तो हो सकता है वहां की सैलरी कम हो, और कुछ सिटीज है जहां पर रहने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर सैलरी ज्यादा हो। ये जो 7 लाख जो आपको payscale.com पर दिख रहा है, ये मीडियन है, मीन नहीं है, एवरेज नहीं है, मीडियन है। सो आप समझ सकते हैं कि ये आपका जनरल पे पैकेज जो है वो 7-8 लाख के आसपास होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आप किन फील्ड्स में कर सकते हैं? मल्टीपल फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, यूएस टैक्सेशन, यूएस प्रेपरेशन, कंसल्टिंग, बहुत सारे फील्ड्स हैं। किन टाइप के इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं? वेल, वो दो टाइप के हैं। एक तो है जो आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके खुद के ऑफिसेज हैं इंडिया में, और वहां पर ये अकाउंटिंग वर्क जो है यूएस का वो होता है, तो आप या तो उनके अंडर काम कर सकते हैं या फिर आप बिग फोर्स में काम कर सकते हैं। उनके खुद के यूएस ऑफ इंडिया ऑफिसेज हैं जहां पर वो अपना ऑडिटिंग वर्क आउटसोर्स करते हैं, सो आप वहां पर भी काम कर सकते हैं। payscale.com से, जैसा मैंने आपको बताया था, एवरेज सैलरी अबाउट 7 लाख है,
और अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप मेरा जॉब स्प्रेडशीट नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, मैं लिंक नीचे ड्रॉप कर रही हूँ, इसमें आप अपनी डिटेल्स अपडेट कीजिए और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर वीक इसे सर्क्यूलेट करूँ। आप जब इससे लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने सारे सीपीए रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। सो फर्स्ट जो है वो ऑफकोर्स जॉब्स है, इंडस्ट्री, बिग फोर और यू नो मल्टीपल एवेन्यूज जहां पर आप काम कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफशोर में काम करना सही नहीं है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है इसमें। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने यूएस गैप में थोड़ा बहुत काम किया था, भले ही वो ऑफशोर में नहीं था बट मैंने यूएस गैप में काम किया था अपने ऑडिट के टाइम पर और थोड़ा बहुत अपने यू नो वर्क अकाउंटिंग एक्सपीरियंस के टाइम पर। तो जब मैंने यूएस मूव किया तो उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया यूएस में जॉब्स खोजने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि यू नो ऐसा नहीं है कि ऑफशोर सही नहीं है या ऑनशोर ही सही है। आप ऐसा समझिए कि जब आप ऑफशोर में काम करते हैं, जैसे हम टेक्निकली ऑफशोर कहते हैं, ऐसा कोई मतलब टर्म तो है नहीं, यूएस ऑफ इंडिया ऑफिसेज अगर हम कहेंगे, तो अगर आप वहां काम करते हैं तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वर्क एक्सपोजर, वो ग्लोबल एक्सपोजर है, वो सिर्फ एक कंट्री से लिमिटेड नहीं है, जो मुझे लगता है जो सबसे उसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्लीज आप ऐसा मत समझिए कि ऑफशोर में काम करना सही नहीं है। एंड ये जो है ना, ये लेबर ट्रांसफर जो है उसमें आप समझिए कि वेस्ट से ईस्ट के लिए ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वेस्ट में यानी कि मैं जहां रह रही हूँ नॉर्थ अमेरिका में, यहां पर कंपनीज के लिए एक्सपेंसेस बचते हैं और ईस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज में इसके थ्रू वेल पेइंग जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तो दोनों के लिए अच्छा रहता है ऐसा होने से और इस तरीके के ट्रांसफर्स होने से। और प्रोफेशनल सर्विसेज ट्रांसफर में इंडिया एक बहुत मेजर प्लेयर है। उसके बाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगी कि कैनेडा भी एक मेजर प्लेयर है, बिकॉज हम नेबरिंग कंट्रीज हैं और हमारी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, तो टाइम जोन्स और उन सब के कारण कैनेडा भी एक मेजर मार्केट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया भी एक मेजर मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया और कैनेडा के अलावा मैंने फिलीपींस में देखा है, वहां पे मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया था, तो वो भी एक मेजर मार्केट है सर्विसेज एक्सपोर्ट का। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की पहले भी जैसा आपको बताया था कोई कमी नहीं है, एवरेज पे अच्छी है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जॉब स्प्रेडशीट में अपने डिटेल्स डालिए और खुद चेक करिए। सो ये तो हो गई जॉब्स की बात। सेकेंड हो गई बिजनेस, जो हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से दो तरीके की हैं। एक तो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि अपनी खुद की फर्म खोलना। तो उसमें आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं फॉर्च्यून, मे बी नॉट फॉर्च्यून 1000 कंपनीज बट जो अमेरिकन कंपनीज हैं, कॉस्ट सेविंग्स के लिए वो अपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वर्क इंडिया आउटसोर्स करते हैं, या साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में कहीं और आउटसोर्स करते हैं। अगेन इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है उसमें। सो ये डेफिनेटली एक ऐसा मॉडल है जिसपे आप अपना बिजनेस, आपके अगर कोई बिजनेस आइडियाज हैं तो आप उन्हें इस पे बेस करके डेफिनेटली एक्सपैंड कर सकते हैं। ग्रोइंग मार्केट है और डिमांड अभी भी है, तो इससे आपको आपके बिजनेस को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आपका बिजनेस एक ग्लोबल बिजनेस होगा, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो बिजनेस मॉडल है वो एक ग्रोइंग मॉडल होगा, क्योंकि अगेन ये एक विन विन सिचुएशन है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं, आप जो है यहाँ के कंपनीज के लिए कॉस्ट्स कम कर रहे हैं, तो और आप वहाँ पर अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेसेस की ग्रोथ ऑफ कोर्स होगी। सो वो फर्स्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत सारे इसमें प्लेयर्स हैं मार्केट में, प्लीज इंटरनेट यूज करके उनके बारे में पढ़ें और रिसर्च करें। एंड द सेकेंड वन इज कंसल्टिंग एंड फ्रीलांसिंग। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनको कुछ प्रोसेसेस के लिए, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो वो ऐसे में लेबर मार्केट से हायर नहीं कर सकते, लोकल लेबर मार्केट से, बिकॉज अगर यहाँ पे हायर करेंगे तो फिर उन्हें प्लेस कहाँ करेंगे, तो इसीलिए वो प्रिफर करते हैं कि बाहर से हायर करना, यू नो आउटसाइड लेबर मार्केट से टेम्पररीली हायर करना कॉन्ट्रैक्ट पर। सो फ्रीलांसिंग, इसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। एंड इसमें आप क्या करते हैं कि आप उन शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स को उस कंपनी के लिए खत्म करते हैं। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जनरली ये असाइनमेंट 6 मंथ से कम के होते हैं, 6 महीने से कम के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास यूएस सीपीए होता है और फिर उन्हें जो है कंपनी इंडिया से यहाँ बुलाती है एंड आप उनके लिए कंपनीज के लिए वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करते हैं। सो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्सपीरियंस गेन करने का, ग्लोबल एक्सपोजर का। और जब आप इन कंपनीज में काम करने लगते हैं तो जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यू नो हम यूएस कैसे मूव करें, यूएस कैसे मूव करें,
अगर आपको यूएस सीपीए सिर्फ इसलिए करना है कि आपको यूएस मूव करना है तो वो तरीका गलत है, बिकॉज जैसे हमने पहले ही बात की थी, इमिग्रेशन बहुत अलग हो जाता है, वो एक अलग पाथवे है. लेकिन अगर आप इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और रियल में जो है ग्लोबल वर्ल्ड का एक्सपोजर पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कोर्स है. क्योंकि ऑफकोर्स आप अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट्स के साथ वर्क करेंगे, और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स हैं ये खुद अलग अलग काउंटर पार्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, एशिया पैसिफिक काउंटर पार्ट्स, लैटिन अमेरिका काउंटर पार्ट्स. तो आपको जो एक्सपोजर है वो आपको लिटरली ग्लोबल मिलता है इसमें. तो आपको जरूरत क्या है करने की, बहुत सिंपल है. हमने पहले जब कॉस्ट्स की बात की थी पिछले दो वीडियोस में, तो हमें पता चला था कि 3.75 लाख एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल कॉस्ट्स, 3.75 लाख में हम ये कोर्स कर सकते हैं. लेकिन इसके 3.75 लाख करने के बाद जो हम जॉब्स भी अगर देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 7 लाख जो एवरेज पे है उससे, और उसके बियॉन्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और आप बहुत कुछ सोच सकते हैं अपने नॉवल्टी से, क्रिएटिव माइंड से, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं. सो ऑफ कोर्स पे बैक बहुत अच्छा है. एक्सपीरियंस के टर्म्स में आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, तो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है. एंड इन टर्म्स ऑफ आप लर्निंग्स के हिसाब से अगर आप सोचें, इंडियन गैप तो आप पढ़ ही चुके हैं, बट आप यूएस गैप भी पढ़ रहे हैं, यूएस टैक्सेशन भी पढ़ रहे हैं. बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये भी पूछते हैं कि कौन से फील्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा वेल पेइंग है. सो ऑडिट एंड टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे रिसर्च के हिसाब से ये सबसे ज्यादा पेइंग है. और अगर आप payscale.com पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया में भी ऑडिट और यूएस टैक्सेशन और प्रिपरेशन के लिए ही ज्यादा पैसे मिलते हैं. तो ऑफकोर्स जो आपका इंटरेस्ट है उसे फॉलो कीजिए. अगर आप अकाउंटिंग या कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज वही कीजिए. बट मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं कि किन फील्ड्स में फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते. सो इस वीडियो में हमने जाना कि देर इज लिटरली कोई एंड नहीं है. आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जॉब, बिजनेस, कंसल्टिंग में अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं यूएस सीपीए करके. इसलिए ट्रेडिशनल पाथवे फॉलो मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे पढ़ने में, इसे कंप्लीट करने में, तो ये डेफिनेटली हैवी पे बैक भी है इसका. इसलिए थिंक थ्रू इट, थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करिए, टेक्नोलॉजी को यूज करिए, लोगों से बात करिए जिन्होंने सीपीए किया हो इंडिया में और जो काम कर रहे हो, जिनके खुद के बिजनेसेस हो. लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लिंक्डइन की जो जॉब रिपोर्ट आती है, अगर आपने अपने फीचर्स में उसके लिए सब्सक्राइब किया हो तो आपको एक जॉब रिपोर्ट लिंक्डइन भेजता है, वो चेक करिए अपने कंट्री के लिए, अपने सिटी के लिए, आप जिस सिटी में मूव करना चाहते हो. और अपने रिसर्च के थ्रू जानिए कि पे स्ट्रक्चर्स क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है. वो रिसर्च आपको खुद को करनी पड़ेगी. मेरे रिसर्च के हिसाब से ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, और इट इज डेफिनेटली समथिंग जो आप अगर परस्यू करना चाहे तो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में. सो ऑन दैट नोट, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने रिसर्च को जारी रखेंगे, अपने हार्ड वर्क को जारी रखेंगे, और आप में से बहुत लोग इन वीडियोस को देखने के बाद यूएस सीपीए करने की जरूर सोचेंगे. हमारे सपने हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, इसलिए प्लीज सपने देखते रहिए, अपने लव्ड वंस के साथ सेफ रहिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव वन लाइफ, सो वी हैव टू ड्रीम इट. We have to live it. इसके अलावा आपके जो भी questions हो उन्हें comment box में छोड़िए, या फिर मुझे Instagram और LinkedIn पर message कीजिए. मैं आपसे मिलूंगी अगले video में. तब तक के लिए take care, stay safe and namaste.